मैं आप निवेदन करना चाहूंगी दिल्ली मेट्रोपॉलिटन एजुकेशन के निदेशक डॉक्टर रविकांत स्वामी से। वे मंच पर आकर हमारे मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मी शंकर बाजपाई जी को एक पुस्तक भेंट करके सम्मानित करें। अब मैं हमारे डीएमई मीडिया स्कूल के अध्यक्ष डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे लक्ष्मी शंकर बाजपाई सर को एक किट देकर सम्मानित करें। मैं बुलाना चाहूंगा पत्रकारिता विभाग की दो छात्राएं नेहा शर्मा और चंचल धारीवाल को, जो आप सबके समक्ष सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगी। भाषण कोस कोस में बदले पानी दस कोश में पानी।
जी हाँ, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। बहुभाषा भाषी देश में जब हम हिंदी की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि हिंदी ने अन्य अनेक भाषाओं के शब्द अपने में समाहित किए हुए हैं, जो हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग में तो लाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि ये अन्य भाषाओं के शब्द हैं। देश और विदेश सभी जगह हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। दुनिया के 25 देशों में, उनसे भी अधिक देशों में बल्कि हिंदी बोली जाती है और पूरी दुनिया में लगभग 80 करोड़ लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं। आज मैं कुछ महत्वपूर्ण लोगों के नाम इस मंच से लेना चाहती हूँ। हिंदी को राजभाषा का स्थान दिलाने की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले सेठ गोविंद दास को आज बहुत कम लोग जानते हैं, शायद आप में तो कोई भी नहीं जानता होगा, काफी लोग उनको भूल चुके हैं। जयंत विष्णु नार्लिकर दुनिया के एक बड़े खगोल शास्त्री, जिन्होंने कहानी के माध्यम से विज्ञान को लोकप्रिय बनाया। इसके साथ ही प्रोफेसर यशपाल का नाम शायद आपने सुना होगा, उनको देश के बड़े विज्ञान प्रसारकों में शुमार किया जाता है। विज्ञान की शिक्षा को आसान बनाने के लिए उन्होंने अपना सपना पूरा करने के लिए हिंदी को माध्यम चुना और भारत सरकार ने जब पहली बार अपना अंतरिक्ष विभाग बनाया था तो उन्हें अहमदाबाद केंद्र का निदेशक बनाया था। न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी हिंदी को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। अमेरिकी मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक इयान वुलफोर्ड रामचरितमानस हिंदी की प्रसिद्ध कविताओं और लोकगीतों में रुचि रखते हैं और वो छात्रों को हिंदी साहित्य भी पढ़ाते हैं। फिल्में, नाटक बहुत अच्छा माध्यम है और उनकी पहुंच विदेशों तक है। रामगोपाल बजाज, जिन्होंने थिएटर की दुनिया को ऐसी उपलब्धि दी जो आज भारत रंग महोत्सव के रूप में जानी जाती है और साल भर लोग इस उत्सव का इंतजार करते हैं। मतलब थिएटर, सिनेमा सभी ऐसे साधन हैं जहां हम अभिव्यक्ति बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, क्योंकि यह ऐसी बोली है और जैसा हिंदी को हम बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं, ये सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। सुमित्रा नंदन पंत ने कहा था, हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरलतम स्रोत है। नमस्कार, धन्यवाद। डॉक्टर स्वामी, डॉक्टर बहल, डॉक्टर सुष्मिता लाला, मेरे सहयोगी शिक्षकगण और छात्र, आज निस्संदेह इस तरह का एक अवसर है जहां पर हम हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम सालाना तौर पे इसको मनाते हैं तो हर आयोजन का अपना एक महत्व है, उस दृष्टि से तो ठीक है, बट देन भाषा की दृष्टि से अगर हम देखें हिंदी को तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, ख़ासतौर पे उन लोगों को जिनकी मातृभाषा हिंदी है, कि हमें हिंदी में अपना ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की कोशिश करनी चाहिए। और कहीं भाषाओं के बीच में किसी तरह का कोई विरोधाभासी स्थिति नहीं है, ना भारतीय भाषाओं में और विदेशी भाषाओं के बीच, ना एक भारतीय भाषा और दूसरी भारतीय भाषा के बीच। हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं तो उसके पीछे एक उद्देश्य है, एक उसका ऐतिहासिक महत्व है, बट देन आज के समय में हम देखें पिछले 70 साल में जिस तरह से देश का विकास हुआ है, जिस तरह से हमारा समाज आगे बढ़ा है, जिस तरह से दुनिया बदली है, उस तरीके से देखें तो आज ये सिर्फ हिंदी दिवस ना होके ये भारतीय भाषाओं का दिवस है, जहाँ पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए भारतीय के रूप में
कि हमारे लिए हर भारतीय भाषा महत्वपूर्ण है, जितनी हिंदी महत्वपूर्ण है उतनी तमिल भी महत्वपूर्ण है, उतनी तेलुगु भी महत्वपूर्ण है। जब हम इस प्रवृत्ति के साथ काम करेंगे, इस दृष्टिकोण के साथ काम करेंगे, तो निश्चित रूप से वो राष्ट्रीय एकजुटता में हमें बहुत ही लाभप्रद होगा। हमारा एक बेहतर समाज बनेगा, हमारा एक बेहतर दृष्टिकोण बनेगा, और जो सामाजिक विकास और देश के विकास की बात है वो हम बहुत तेज़ी से उस काम को कर सकते हैं। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो हमारे पास एक एक भारतीय भाषा कम से कम होनी चाहिए, मातृभाषा है, उस मातृभाषा के बाद भी हमारे पास एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। अगर हमारी मातृभाषा हिंदी है तो उसके बाद एक भाषा और ऐसी होनी चाहिए जिसमें हम अगर पारंगत ना भी सही थोड़ा सा कुछ सीखने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ हमारे पास एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी होनी चाहिए, जो हमारे लिए अंग्रेजी बहुत ही अनुकूल है क्योंकि हम बचपन से उसको पढ़ते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर हम चाहें, जिस तरह से दुनिया में चेंजेस आ रहे हैं, जो परिवर्तन आ रहे हैं, तो एक अंग्रेजी के अलावा भी हम एक विदेशी भाषा को सीखने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेंच हो चाहे वो स्पेनिश हो। तो अगर हम इस दृष्टिकोण को अपनाएं तो हमारा एक समग्र भारतीय एक दृष्टिकोण बन सकता है, एक अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण बन सकता है। तो जिस तरह की समस्याएं हमें भाषाई विवाद के रूप में देखने को मिलती हैं वो मेरे ख्याल में नहीं होंगी, क्योंकि हम इस दिवस के पर, हिंदी दिवस के, अपने छात्रों से कहते हैं कि हिंदी में कार्यक्रम करना है और हिंदी में ही कार्यक्रम का संचालन करना है। तो हम देख सकते हैं कि किस तरह की परेशानियां छात्र लोग के छात्रों के सामने आती है, वो नहीं होनी चाहिए। बहुत ही नेचुरल तरीके से, बहुत ही स्वाभाविक और प्राकृतिक तरीके से चीज़ें आनी चाहिए। अनुवाद के स्तर पर भी, हालांकि अनुवाद जैसा बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से कुछ होता नहीं, क्योंकि आप भाव का अनुवाद करते हैं तो एक ही चीज़ को आप एक भाषा में कहेंगे फिर दूसरी भाषा में कहेंगे तो उसका बदलने कहने का अंदाज बदल जाएगा। लेकिन फिर भी अनुवाद के स्तर पर भी देखें तो जैसे कि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का जो डिजिग्नेशन था वो है कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल, यूज़ डिप्टी डायरेक्टर जनरल, जिसका आप हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं कि पूर्व महानिदेशक, और उन लोगों ने जो एंकर कर रहे हैं उन्होंने किया पूर्व निदेशक, उप निदेशक कहा। तो दोनों में बहुत फर्क है, तो इस तरह के अंतर को समझना चाहिए। ठीक है, ये हमारा अपना मंच है तो समस्या नहीं है, लेकिन जब आप किसी भी पब्लिक डोमेन में जाएंगे और इस तरह की गलतियां करेंगे तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से सबको ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन बातों को समझने की, जानने की और अमल में लाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद। आज के मुख्य अतिथि श्री वाजपेयी जी, प्रोफेसर अम्बरीश, डॉक्टर बाला मैम, डॉक्टर बहल, मीडिया डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर्स व स्टूडेंट्स, आपसे मैं सिर्फ एक बार एक बात करना चाहूँगा एक विषय पे, कि ये जो हम आज स्ट्रगल कर रहे हैं हिंदी को लेकर के, इसका रीज़न क्या है, क्या कारण है, क्यों आज हिंदी को हमको जगाना पड़ रहा है, क्यों हम इसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए कारण है, वो कारण आप एक बार समझो तो उसके बाद उसका निवारण भी होगा। देखिए कारण बहुत साफ है, थोड़ा सा इतिहास उठा के देखें, 1192 वो वर्ष है जब हम लोगों के ऊपर किसी बाहरी ताकत का राज हो गया था। ठीक है, डू यू गेट दिस पॉइंट। 1192 जब पहली बार हिंदुस्तान पर किसी बाहरी ताकत का राज हो गया था, उसके बाद वो राज चलता रहा। 1526 आया फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बाबर आ गए जो कि मुगल थे, फिर चलता रहा, वो भी भारी थे, बाबर वगैरह उज़्बेकिस्तान को बिलोंग करते थे, उनकी मदर मंगोलिया से थी। ठीक है, उससे पहले जो 1192 में आए वो इससे गल्फ रीजन से आए थे जिनको मुस्लिम्स बोलते हैं। तो 1192 से चले 1526 आया, उसके बाद चलता रहा, कुल 500 साल हमारे ऊपर मुस्लिम्स और मुगल्स का राज रहा। ठीक है, कारण समझिए, ये कारण है कि हिंदी क्यों खत्म हो गई या खत्म किया गया, इसको सिस्टमिक वे में किया गया।
उसके बाद क्या हुआ, 500 साल तो ये चला मुगल्स मुस्लिम्स, उसके बाद क्या हुआ अंग्रेज आए, 200 years, 200 साल, तो कुल 700 साल जो है इसमें बड़ी सोची समझी साजिश के तहत हिंदी को खत्म किया गया। वही रीजन है कि आज हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपनी भाषा को हम दोबारा आगे लेकर के आए, ये कारण है। इस कारण से हमको लड़ना है, आपको भी लड़ना है, मुझे भी लड़ना है। अब इसके हम निवारण की बात करें, निवारण बहुत सिंपल है, जस्टिस बहलिया बैठे हैं, मैं सर से पूछूंगा लॉ में कितनी अच्छी बुक्स हैं जो कानून पे है और जो हिंदी में है, हार्डली एनी। सिमिलरली मेरा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, मैं आपको कह सकता हूं एक भी अच्छी बुक हिंदी में नहीं लिखी गई है। आज आप जापान की बात करें या चाइना की, जब तक लिटरेचर अपनी भाषा में डेवलप नहीं होगा वो भाषा आप बच्चों तक नहीं पहुंचेगी, मेरे तक नहीं पहुंचेगी। तो कारण मैंने आपको बता दिया, विदेशों का राज रहा है हम पे, एक साल नहीं, दो साल नहीं, 700 साल। और अब उसका निवारण क्या है, हमें अपने लिटरेचर को डेवलप करना पड़ेगा जो कि अब तक तो नहीं हो पाया है। हर जगह हम देख रहे हैं कि इंग्लिश ही चल रही है। तो देखिए मातृभाषा को हमको दोबारा जागृत करना है, उसको लेकर के आना है। सॉल्यूशन आपके हाथ में, सॉल्यूशन हमारे हाथ में। धन्यवाद। स्वप्न आएगा तो साकार भी हो ही जाएगा, स्वप्न आएगा तो साकार भी हो ही जाएगा, दर्द उभरेगा तो उपचार भी हो ही जाएगा, धैर्य रखना ही इंसान की कमजोरी है, हिंदी से दिल लगाया तो कभी प्यार भी हो ही जाएगा। परमादरणीय मुख्य अतिथि वाजपेयी जी, प्रवक्ता विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अमरीश सक्सेना जी, श्रीमती बाला सक्सेना जी और हमारे निर्देशक डॉक्टर स्वामी जी, प्यारे बच्चों और मेरे साथियों, हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि जब एक छोटा बच्चा जन्म लेता है तो अपनी माँ के पेट से हिंदी या अंग्रेजी सीखकर नहीं आता है, माँ के प्यार भरे हिंदी के शब्द उसे जीवन का रास्ता दिखलाते हैं, परंतु जब वह बच्चा स्कूल जाने योग्य हो जाता है तो हम उसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में भेज देते हैं। ये उस बच्चे के प्रति और हमारी हिंदी भाषा के प्रति पहला अन्याय जो हम सभी लोग करते हैं वो यही है कि हम बच्चे को अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने भेजते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा इस मंच से कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बच्चे को अंग्रेजी सिखा पाए या न सिखा पाए, कम से कम उसे हिंदी से अवश्य दूर कर देते हैं। ये हिंदी के प्रति दूसरा अन्याय आपके सामने है। हम सभी जानते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया और तभी से हम 14 सितंबर के दिन हिंदी दिवस को मनाते हैं। संविधान का छात्र होने के नाते मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि संविधान के अनुच्छेद 343 में ये लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। वर्ष 1949 में जब सबसे पहली बार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया तो उस समय दुर्भाग्यवश संविधान सभा के कुछ विलायती मिजाज के स्वार्थी लोगों ने यह भूल की कि हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी अगले 5 वर्ष की संपर्क भाषा की तरह जारी रहने दिया गया और बाद में वह 5 वर्ष का समय 15 वर्ष कर दिया गया और फिर यह समय अनंत काल में बदलता चला गया और आज भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रचलन आप देख रहे हैं। यह एक दूसरा उदाहरण आपके समक्ष है जो हिंदी के प्रति अन्याय का द्योतक है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप डेली रोजाना टीवी का कार्यक्रम देखते हैं और उसमें विज्ञापन भी देखते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदी के कितने विज्ञापन अंग्रेजी में आते हैं? 99% विज्ञापन जो टीवी पर आप देखेंगे वो हिंदी में ही होंगे। और आप देखें, आप किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी से
कोई भी सामान ऑनलाइन मंगाते हैं, लेकिन उस सामान को जो आपके दरवाजे पर लाकर देता है व्यक्ति, वो हिंदी बोलने वाला होता है। कीबोर्ड पर व्यापार करना अंग्रेजी में अलग बात है, लेकिन आप हिंदी से अपना नाता तोड़ नहीं सकते। एक बात और आप लोगों के समक्ष रखना चाहूंगा कि कानून ज्यादातर अंग्रेजी में लिखे जाते हैं और उनका हिंदी रूपांतर भी कराया जाता है, लेकिन हमारे संविधान में यह भी लिखा है कि जब भी कानून के हिंदी रूपांतर और अंग्रेजी रूपांतर में कोई अंतर आएगा तो अंग्रेजी का रूपांतर ही मान्य माना जाएगा। ये भी हिंदी के प्रति एक अन्याय है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। और एक दूसरी गलती, दूसरा अन्याय, अखबारों में भी पिछले 2-3 दिनों से हिंदी को राजभाषा के बजाय राष्ट्रभाषा लिखा जा रहा है। कानून का छात्र होने के नाते मैं आप लोगों के समक्ष ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी मिलना शेष है। हमारे निदेशक महोदय ने आपके समक्ष ये बात रखी कि कानून की पुस्तकें ज्यादातर अंग्रेजी में ही छापी जाती हैं, ये बात सही है कि हिंदी में कानून की किताबें उपलब्ध नहीं है। एक आपत्ति के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूँगा। हिंदी दिवस के कार्यक्रमों में ये अक्सर कहा जाता है कि हिंदी मर रही है और हिंदी मर जाएगी। मेरी सख्त आपत्ति है इस बात पर। बाला मैम ने अभी आपको बताया कि हमारे देश में 80 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं। मैं पूछना चाहता हूं वक्ताओं से कि हिंदी कैसे मर जाएगी? 80 करोड़ लोग जहां पर हिंदी बोलते हों, हिंदी में खाते हों, हिंदी में पढ़ते हों, हिंदी में सपने देखते हों, हिंदी में कबड्डी 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 खेलते हों, हिंदी में ओम जय जगदीश हरे कहते हों, वहां हिंदी कैसे मर जाएगी? मेरी आपत्ति है। धन्यवाद। लक्ष्मी शंकर बाजपाई एक प्रसिद्ध कवि, गजलकार और संवाददाता है। ये ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी में उप महानिदेशक के रूप में कार्य कर चुके हैं। गजल संग्रह खुशबू तो बचा ली जाए तथा बेजुबान दर्द जैसी किताबों का लेखन भी कर चुके हैं। तमिल, पंजाबी, डोगरी, उर्दू, जापानी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में कविताओं का अनुवाद भी किया है। लक्ष्मी शंकर बाजपाई को अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित किया गया है। काव्य मंचों पर भी व्यापक स्तर पर भागीदारी, देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं में रचनाओं का प्रकाशन हुआ, 100 से अधिक समारोह और घटनाओं की कमेंट्री का प्रसारण और वेनेजुएला में आयोजित 2013 विश्व कविता समारोह में लक्ष्मी शंकर बाजपाई भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र कवि थे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मी शंकर बाजपाई जी को माननीय रविकांत स्वामी जी, अम्बरीश जी, सुष्मिता जी, बहल साहब और कायदे से तो उम्र के लिहाज से मैं कहता प्यारे बच्चों, लेकिन चूंकि आप मीडिया वाले हैं इसलिए कहेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि मीडिया में सब उम्र का ताजा नहीं होता, आप सब मित्र ही हैं। मैं सबसे पहले बहुत आभारी हूँ आप सबका कि अपने बीच आपने मुझे बुलाया, और अम्बरीश सक्सेना जी और सुष्मिता जी, बहुत पुरानी मित्रता है। इस ऐसा होता है कि कहीं भी आप जाते हैं तो मैं तो फिजिक्स वाला हूँ तो वाइब्रेशंस मिलती हैं, तो आपके संस्थान में जैसे ही प्रवेश लिया है और वो रोचना से लेकर और पूरा वातावरण बहुत अच्छा लगा करके बहुत आत्मीयता देखने को मिली। हिंदी को लेकर मैं कुछ बातें आपसे जरूर करना चाहूँगा बहुत संक्षेप में। कल मैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी में था और 1 घंटे इसी विषय, क्योंकि वहां व्याख्यान ही था, 1 घंटे बोला था, लेकिन आज मैं बहुत संक्षेप में सूत्र रूप में आपसे कुछ बातें साझा जरूर करना चाहूंगा। मैं आपसे कोई किताबी बात नहीं करूंगा, जो कुछ मैंने देखा अनुभव किया है वही आपसे साझा करूंगा। पहली बात यह है हिंदी को लेकर के कि
जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तो उन्होंने एक विशेषज्ञ को एक जिम्मेदारी दी कि पूरे भारत में आप जाइए और पता करिए कौन सी भाषा जो है पूरे देश में समझी जानी जाती है। तो 1655 ईस्वी में टेरी साहब थे, उन्होंने कहा कि मैंने पूरा देश घूमा है और हिंदी है जो पूरे देश में जानी समझी जा सकती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जब लोग भारत में आते थे तो उनके उनको हिंदी सिखाई जाती थी, इस बात को ध्यान में रखिएगा, तब भेजा जाता था। और दूसरी बात हो एक और कि अगस्त 1881 में, ध्यान रखिएगा 1881 आईसीएस में ब्रिटिश सरकार ने, भारत सरकार ने नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आईसीएस में हिंदी को अनिवार्य कर दिया था। आईसीएस में आना है तो हिंदी जानी, नंबर नहीं जुड़ते थे लेकिन अनिवार्य थी, कंपलसरी थी। लेकिन आजादी के 70 साल बाद आईएएस में क्या रहा हो रहा है, अंग्रेजी अनिवार्य है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। वेनेजुएला की बात, किसमें अपने अनुभव बताता, बहुत सूत्र रूप में सारी बातें बताता हूं। सबसे बड़ी समस्या क्या, नहीं कोई भी नहीं, समस्या ये है देखिए कि वेनेजुएला में जब मैं गया, 10 दिन का वहां महोत्सव था कविता का, वो बहुत चौंकाने वाला अनुभव हुआ। वो ये था कि 50 देशों के कवि आए थे, 4-5 देशों के कवि वो थे जिनकी भाषा अंग्रेजी से, अमेरिका जैसे, कनाडा जैसे, मेक्सिको, 4-5। बाकी जो 40-45 कवि बचते हैं उनमें से बमुश्किल 5-4 या 5 देश ऐसे होंगे जिन कवियों को टूटी फूटी अंग्रेजी आती थी। पहली बार मुझे अपनी अंग्रेजी पर गर्व हुआ क्योंकि मैं गांव से आता हूं, नंबर आ जाते हैं 70-75-80 डिस्टिंक्शन तो आती रही लेकिन अंग्रेजी बोलने में हमेशा घबरा जाते थे ये तो वेनेजुएला। लेकिन बाकी जो 35 के करीब कवि थे, 30-35 कवि, उनको अंग्रेजी का आधा अक्षर भी नहीं आता था। हर साथ एशिया से कोरिया के कवित्री थे, उनको आधा अक्षर भी नहीं आता था। ये मेरे लिए चौंकाने वाली बात थी क्योंकि हमें लगता हम भारत से बाहर जाएंगे तो हमें अंग्रेजी आती तो हम तो विश्व विजेता सिकंदर बन गए। तो वजह समझ, फिर मैंने सोचा ऐसा क्यों, इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। फिर ये समझ में आया कि जो कॉमनवेल्थ नेशंस हैं 50 के करीब, ठीक है, जो अंग्रेजों के गुलाम थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के गुलाम थे, तो दुनिया में जो 190 के करीब देश हैं, उन 190 देशों में ये जो अंग्रेजों के 50 गुलाम देश हैं, इनके अलावा पूरी दुनिया के 140-150 देशों में अंग्रेजी का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि आप जानते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस जब गेम होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो ब्रिटेन की महारानी एक वो बेंच जैसा पकड़ाती, मेस बोलते हैं शायद उसको, कि जाओ बच्चों खेलो जाके, तो हमारा भारत भी खेलने लगता है, बच्चे खेलने लगते हैं। तो वो जो ध्यान रखिएगा, तो एक इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा कि जब वेनेजुएला के 10 दिन में बिल्कुल कैदी बन के रहना पड़ा क्योंकि जहां जहां कार्यक्रम थे वहां तो हमें इंटरप्रेटर मिली थी लेकिन बाकी जगह आप निकल नहीं सकते क्योंकि कहीं अंग्रेजी का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं, सब कुछ स्पेनिश में, कैसे निकलोगे आप, कौन सी ट्रेन पकड़ो, क्या करो, ये भी ध्यान रखिएगा। और अब ये भी है कि समस्या क्या है, समस्या क्या है कि मैं 2 बार यूके गया हूं, ठीक है, यूके मतलब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। मजाल है कि स्कॉटलैंड में आप जाएं और कोई साइन बोर्ड आपको पहले अंग्रेजी में लिखा मिल जाए, नहीं मिलेगा, ढूंढ लीजिए सबसे पहले स्कॉटिश में फिर अंग्रेजी में। वेल्स में जाएंगे कार्डिफ में तो सबसे पहले वेल्स की भाषा फिर अंग्रेजी, और आप आयरलैंड जाएंगे तो पहले आयरिश में। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, दिल्ली से फरीदाबाद, दिल्ली से गुड़गांव, दिल्ली से नोएडा जाइए, मजाल है कि पूरे रास्ते में, जबकि दिल्ली की राजभाषा हिंदी है, हरियाणा की हिंदी है, उत्तर प्रदेश की हिंदी है, भारत की राजभाषा हिंदी है, लेकिन एक साइन बोर्ड आपको हिंदी में ढूंढने से नहीं मिलेगा, खाली स्टेट बैंक वगैरह का मिलेगा जिनकी बेचारों की मजबूरी है। तो ये इस बात को ध्यान रखिए। तो सारी जो झगड़ा सारा है इस बात, जैसे ये सारी बातें आ चुकी है, अमरीश जी ने बिल्कुल सही कहा, हमें एक अंतरराष्ट्रीय भाषा चाहिए, इंटरनेशनल लैंग्वेज अंग्रेजी है, बहुत अच्छी बात है। हमारी मजबूरी है कि हमारी सारी हायर स्टडीज, हमारी उच्च शिक्षा अंग्रेजी में ही है, तो वो हमारी मजबूरी है, ध्यान में रखिएगा। लेकिन सारा संकट जो है वो क्या है, वो है मानसिकता का,
मेंटलिटी का दो तरह से बताता हूं। पहली, ये एक गाना है मुकेश का, पता नहीं आपने सुना हो, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, सुना है आपने, किसी ने सुना होगा, कुछ ने। अब इस गाने की शूटिंग के बाद ये जो हीरो महोदय थे, इनकी जेब में चार आने नए पैसे नहीं थे कि वो अपनी चाल में, कोठी में नहीं, चाल में वो जा पाते, तो 4-5 किलोमीटर पैदल चल के वो गए थे, अपनी चाल तक पहुंचे थे। लेकिन वही हीरो जब अरबपति बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं, भारत के सांसद भी बन जाते हैं, सब कुछ उन्हें हिंदी से मिलता है, लेकिन जब हिंदी के चैनल पर, हिंदी के कार्यक्रम में जब उनसे एक मिनट लिए उनसे हिंदी नहीं बोली जाती, तब वो अंग्रेजी में बैठ देते हैं। ये हमारी दिमागी गुलामी है, सीधी सीधी, यही सबसे बड़ी समस्या है, और ये विवशता है दूसरे लोगों की। उस कलाकार के लिए तो शर्म की बात है जिसने अरबों रुपए कमाए और हिंदी में एक मिनट नहीं बोल सकता, लेकिन ये एक विवशता है कि हमारे दिल्ली में जो पकौड़े की दुकान लगाता है, जो समोसा बेचता है, वो साइन बोर्ड लगाता है गोल्डन स्नैक्स, उसको स्नैक्स का नहीं पता, स्नैक्स। तो हमारे मित्र हैं, पत्रकार हैं, वो पहुंच गए, भैया 2 कोबरे तोल देना। तुम कह रहे बाबूजी क्या कह रहे हो, बोले तुमने ये लगा रखा ना गोल्डन स्नैक्स। तो ये मानसिकता है, मेंटलिटी है, बेचारे की मजबूरी है, उसे लगता है हमारे अंग्रेजी में साइन बोर्ड लगा दिया तो हमारा ये जो है वो बन जाएगा, कपड़े की दुकान 5-स्टार होटल बन जाएगी। ये मानसिकता का सवाल है। बच्चा जरा सा बड़ा होता है, जैसे बोलना उलना सीख जाता है, भारत में कोई माँ कोई पिता ये नहीं पूछता कि बेटा तुम्हारी नाक कहाँ, बेटा तुम्हारे बाल कहाँ है, सब पूछते हैं बेटा तुम्हारी नोज कहाँ है। अगर उसने नोज बता दी तो बेटे का भविष्य उज्ज्वल और सीधा डीएम बन गया। तो ये एक मानसिकता का सवाल। इसलिए मैं आपसे एक चीज साझा करता हूं, एक अंतरराष्ट्रीय, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का सारे देशों के विदेश मंत्री विदेश सचिव भाग ले रहे थे। आप जानते हैं एंकर जो होता है वो हमेशा बहुत बाचाल होता है, टिप्पणियां करता है, मजे इस तरह की टिप्पणियां करता, करना भी चाहिए उसे। तो सारे देशों के लोग आते गए और अपनी अपनी भाषा में बात करते चले गए, जिस जिस देश के, जब 15-20 देशों के लोग आ चुके तो भारत भी उसमें था। भारत की बारी आई तो उसने अंग्रेजी में बोला, तो एंकर ने जो टिप्पणी की उसकी हिंदी में आपसे साझा करता हूं। एंकर ने कहा, क्योंकि सारे देश वाले अपनी अपनी भाषा बोल रहे थे, उसने कहा आपके अपने देश की कोई भाषा नहीं है, ओहो माफ करिए मैं तो भूल ही गया कि आपका देश तो सदियों गुलाम रहा है। ये टिप्पणी ऑन रिकॉर्ड है। तो ये हमारी समस्या है कि हम उसको, देखिए अंग्रेजी से कोई समस्या नहीं है, समस्या है अंग्रेजी के रुतबे की भाषा बनने से। और अंग्रेजी ने कैसी दीवार खड़ी कर दी है उस पर मैं आऊंगा, वहीं से बात खत्म करूंगा कि वो जो ताकत हम कहते हैं ना 80 करोड़ वाली बात, लेकिन हमारी जो किताबें हैं हिंदी की, अभी जज साहब बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, वही हमारा संकट है कि हिंदी में कोई उपन्यास छपेगा तो पहले 500 छपता, 300 छप रहा है, 80 करोड़ हिंदी वाले देश में सिर्फ 300 किताबें छपती हैं। क्यों? जापान में 150-150 करोड़ का अखबार रोजाना निकलता है, हमारे देश के 80 करोड़ लोगों में हमारे अखबारों की संख्या क्या है? इन बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और एक बात और ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये हिंदी क्यों या राष्ट्रभाषा क्यों, उसकी वजह ये है, दो बातें हैं। एक, इसका जो अगर एक भौतिक पक्ष है, फिजिकल एस्पेक्ट है, और एक इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट है। भौतिक पक्ष ये है, मैं 7-8 साल से IAS जो रिटर्न क्वालिफाई करके आते हैं उनके इंटरव्यू लेने जाता हूं और उनकी मानसिकता को परखता हूं। देखिए सारी बात मैं फार्मूले सूत्र रूप में कह रहा हूं, समय बहुत सीमित, मुझे भी जाना है यहां से। वो ये है, क्या है फिजिकल एस्पेक्ट, अगर इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, अगर किसी देश का शासन ऐसी भाषा में चलेगा जिसको देश के 90% से ज्यादा लोग नहीं जानते, नॉलेज कमीशन ने 3% बताए थे, अब 5-7 साल बढ़ गया, पढ़ा लो 5-7% कर लो, लेकिन अगर 90% लोग उस राजकाज की भाषा से नहीं जुड़े हैं वो राजकाज नहीं चल सकता। इसीलिए एक एक्सरसाइज मैं उनको देता हूं, IAS IPS वालों को, एक आपको भी देता हूं, 1947 से लेके आज 13 सितंबर 2019 तक होमवर्क करिए, रिसर्च करिए, शोध करिए, फिर मुझे बता दीजिएगा,
भारत में हजारों योजनाएं बनी, अरबों रुपए खर्च किए गए। कोई एक योजना अगर आप ढूंढ के दिखा दें आजाद भारत में जो उसी समय सीमा में उतने ही बजट में पूरी हो गई हो, तो मुझे बताइएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ, ना हो सकता है। कोई सरकार आ जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए, कोई दल आ जाए, क्यों? क्योंकि जब तक जनता योजना से नहीं जुड़ती, योजनाएं सफल नहीं होती। ये उसका सबसे बड़ा संकट है। एक अंग्रेजी के शासन का, हमारे जज साहब बैठे हैं, दो काले कोट वाले आपस में गटपट गटपट कर रहे हैं। बेचारा जो जो भुक्तभोगी है, जो परेशान है, पीड़ित है, वो बेचारा देख रहा है कि क्या ये लोग बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इसीलिए हमारी न्याय व्यवस्था क्या है, उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। दूसरा जो पक्ष है वो है इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट। वो इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट क्या, देखिए मैं फिजिक्स का विद्यार्थी हूं, मैंने बताया आपको 1901 में नोबेल प्राइज शुरू हुए, अब 2019 है। अपवाद के तौर पर सीवी रमन साहब को एक नोबेल प्राइज मिला। अपवाद, अपवाद सब जगह होते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन एक देश है हमारे दिल्ली के शकरपुर और लक्ष्मी नगर से आबादी उसकी शायद कम है, और 48 में, सन 48 के आसपास वो दुनिया के मैप नक्शे में आया। और कौन लोग थे? सारे लुटे पिटे लोग दूसरे देशों से चल के आए। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी भाषा को अपनाया। तो उस छोटे से देश में अब तक दर्जनों नोबेल प्राइज जा चुके हैं। उस देश का नाम इजराइल। ये इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट होता है। हम जो कुछ जिस तरह बच्चे, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, अगर बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा नहीं देते तो जो होना है 8 साल तक हो जाता है, उसका मानसिक विकास नहीं हो सकता। यही वजह है कि जो भारत जिसके लिए जाना जाता विश्व गुरु बनना चाहते थे भी और बनना चाहते हैं, उस देश के का जो दर्शन और अध्यात्म, दो जो पवित्र क्षेत्र हैं, वहां हम आज कहां हैं। दर्शन अध्यात्म जैसे पवित्र क्षेत्र में आप देखिए कैसे हमारे संत अपने कुकर्मों के कारण वो जेलों में सड़ रहे हैं। तो ये हमारा अध्यात्म है, हमारा बौद्धिक गिरावट हमारी है। एक फूहड़ गाने वाला, मैं मीडिया का ही बात हूं, एक फूहड़ अश्लील गाने वाला 1 करोड़ लेता है, लेकिन जो शास्त्रीय संगीत में जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया उनको रोजी रोटी चलाना मुश्किल। ये हमारा बौद्धिक स्तर बन गया है। और बहुत सारी बातें, उस पर नहीं जाता, मैं सिर्फ आपको एक बात याद दिलाता हूं। 1835 में मैकाले साहब ने ब्रिटिश की पार्लियामेंट में क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि मैंने पूरा देश घूम के देखा है और ये इतने उच्च चरित्र के लोग हैं, इतने आदर्शों वाले लोग हैं, वहां कहीं अपराध नहीं होते, कोई चोरी चकारा नहीं होती, सब गांव के गांव बड़े इंडिपेंडेंट मतलब रहते हैं, सब स्वतंत्र, उनकी अस्मिता है। ऐसे देश को आप गुलाम बना ही नहीं सकते, तो आपको ब्रेन वॉश करना पड़ेगा, कोई ऐसी एजुकेशन सिस्टम लानी पड़ेगी कि ये लोग अपने ही संस्कृति से नफरत करने लगे, अपनी भाषा को हीन मानने लगे। क्या विजन, कमाल का विजन था उस बंदे का, और ऐसा हो गया। और आज हम वो जो कह रहा कहीं कोई अपराध नहीं, इतने ईमानदार लोग हैं, आज हमारी ईमानदारी का स्तर क्या है? एसी फर्स्ट के डिब्बे में, एसी टू टीयर के डिब्बे में, एसी थ्री टीयर के डिब्बे में जो टॉयलेट का जो डब्बा होता है ना, उसको जंजीर से बांध के रखना पड़ता है। ये हमारी ईमानदारी का स्तर है। क्यों है ये, कहां से आता है, क्यों? सवाल है भाषा का, सवाल भाषा का सवाल नहीं होता। भाषा के साथ पूरी संस्कृति जुड़ जाती है, पूरे जीवन मूल्य जुड़ जाते हैं। जब आप अपनी भाषा से कट जाते हैं, अपनी संस्कृति से कट जाते हैं, अपने जीवन मूल्यों से कट जाते हैं। कैसे, उदाहरण दूं, हिंदी में कई लाख शब्द हैं, अंग्रेजी में तो कुछ हजार शब्द हैं, हिंदी में 1 लाख शब्द, एक बहुत कई लाख शब्द, और संस्कृत में तो करोड़ों बना सकते हैं। लेकिन 1 लाख शब्दों वाली भाषा में तलाक नाम का शब्द नहीं है। ये उदाहरण छोटा सा, कोई शब्द नहीं हिंदी में, क्योंकि हमारी संस्कृति में हम 7 जन्म वाला लेकर के चलते हैं। तो ये फर्क है। हम और क्यों आज इतने अपराध बढ़ गए, क्यों इतने भयानक अपराध बढ़ गए हैं, क्योंकि हम अपने जीवन मूल्यों से कट गए हैं। क्या होता, मैं राजस्थान में राउ का ले रहा हूं, वहां पर एक राजस्थानी मारवाड़ी में दोहा है, वो कहता है कि यार तुम्हारे अगर तुम्हारे सामने कभी कहता है कि अगर तुम्हारे सामने किसी लड़की का, किसी नारी का अपमान हो रहा है और तू खड़े खड़े देख रहा है, तू मान के चल कि तू मर चुका है, मुर्दा है। ये चीजें हमारे रगों में घुल जाती हैं, भाषा के जरिए चीजें आती हैं। आज हम अपनी भाषा से कट गए हैं, इसी वजह से तमाम सारे जो परिदृश्य है वो हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारी बातें हैं,
लेकिन वो मैं कहना नहीं चाहता। एक दो उदाहरण और, हमारे जो यही दिल्ली के मयूर विहार के हिमांश जोशी जी बहुत बड़े कहानीकार, नार्वे गए हुए थे, तो नार्वे में उसी उपन्यासकार से बात, और छोटा सा देश है नार्वे, तो वहां जब गए हुए थे तो उनसे उसे पूछ रहे थे आपका उपन्यास अभी पिछला उपन्यास कितना छपा। वो बेचारा शर्म के मारे, संकोच के मारे बताए नहीं, क्योंकि तो भारत से आए हैं, यहाँ तो करोड़ों लोग हिंदी वाले हैं, तो इनकी तो करोड़ों में छपती होगी उपन्यास। तो जब बहुत जोर डाला तो उसने कहा हाँ 5 लाख छपे थे, 5 लाख, और अब काफी कुछ बिक भी गया है। गनीमत है कि उसने इनसे, हिमांश जोशी जी से नहीं पूछा कि आपके यहाँ कितने छपते हैं, वरना बहुत मुश्किल आ जाती है। तो किसी जमाने में 500 तो ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप सबको करना है। मैं भाषण देने से बात नहीं बनेगी, आपको कल 14 तारीख से ये अगर आप इसमें साझीदार बन जाए, इस कलम के सिपाही, अगर हिंदी के सिपाही भारतीय भाषा के सिपाही बन जाए तो हिंदी का रूप बदल जाएगा। वो मैं आपसे किस लिए कह रहा हूँ कि ये जो है कल से अगर आप ये नहीं कर रहे तो करिए। अंग्रेजी के आप विद्वान बने उसे कोई आपत्ति नहीं है, अंग्रेजी में आप कविता लिखे, लेख लिखे, अंग्रेजी भाषा है, अच्छी भाषा है, शेक्सपियर मिल्टन और वर्ड्सवर्थ की भाषा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। लेकिन करना क्या है, करना ये है कि अपने घर में आप जब घर जाए तो देखिएगा कि क्या आपके घर के बाहर तख्ती आपकी क्या अंग्रेजी में है, तो 20-40 रुपए खर्च करके उसको हिंदी या अपनी मात्र भारतीय भाषा में भी करवा लीजिए। कोशिश करिए कि एक हिंदी का अखबार आपके यहाँ पे आए। अगर 80 करोड़ लोग हैं तो ताकत दीजिए ना कि अखबार कोई बिके, 10 करोड़ तक बिके, 5 करोड़ तक बिके, आप हिंदी की पत्रिकाएं बिके और हिंदी की साहित्य बिके, तो वो हमें कर, क्योंकि हिंदी ने जो कुछ प्राप्त किया है वो लड़ झगड़ के प्राप्त किया है और बहुत आगे तक गई है। कैसे, एयर इंडिया में हिंदी का अखबार नहीं मिलता था, लोगों ने उस पर कंप्लेंट डालने शुरू की, लोगों ने विवाद उठाया, आने लग गई हम। अब शताब्दी में एक अखबार हिंदी का नहीं मिलता था, मिलता है, रोज मिलता है। हिंदी अपनी ताकत उसकी बहुत ज्यादा है। क्या ताकत है, 1869 में महारानी विक्टोरिया भारत से एक शिक्षक मंगाती है कि वो हिंदी सीखें, उन्हें हिंदी इतनी प्यारी लगती है क्योंकि रसोईया उनका गीत भी गाता था। तो वो मैंने देखा है लंदन के म्यूजियम में, उन्होंने कविता भी लिखी, तो बंदी है जो भी है, वो हिंदी की ताकत है। ये हिंदी की ताकत ये है कि आप मीडिया के लोग हैं, पूरा विश्व का मुगल मीडिया सम्राट बड़े ठसक के साथ, बड़ी शान के साथ भारत में आता है, 24 घंटे का अंग्रेजी चैनल लेकर के आता है। उस अंग्रेजी चैनल की ना कोई टीआरपी है, ना कोई पहचान है, ना कोई ढेले भर पूछता है, कुछ 2-4 लोग देखते हैं। लेकिन जब वो हिंदी से शुरुआत करता है उसकी टीआरपी बढ़ती, पहचान बढ़ती है, और वो अंग्रेजी का चैनल धीरे धीरे पूरा 24 घंटे का हिंदी चैनल बन जाता है। मैं स्टार प्लस और ऊपर मटरों की बात कर रहा हूं। ये हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान, पूरे देश के केबल ऑपरेटर जो है वो हड़ताल कर देते हैं। क्या, क्यों हड़ताल करते हैं, कहते हैं मैं हिंदी के चैनल दिखाने की इजाजत दीजिए। ये हिंदी की ताकत है। हिंदी की ताकत ये है कि ओबामा जब दूसरी बार राष्ट्रपति बनते हैं तो वहां भारतवंशियों के लिए हिंदी में पर्चे छपाए जाते हैं। हिंदी की जादू ताकत ये है कि तमिलनाडु जो सबसे ज्यादा जहर उगलता रहा हिंदी के खिलाफ, वहां के पॉलिटिशियन और वहां के अखबार, वहां पर अभी जब पिछला इलेक्शन हुआ है तो उसी पार्टी जो जहर उगलती थी उसने हिंदी में उत्तर भारतीयों के लिए पर्चे छपवाए हैं। ये हिंदी की ताकत है। अमेरिका में बहुत से, मैं नाम ले सकता हूं, नाम नहीं लूंगा, लंबी सूची है, विश्वविद्यालयों में MBA में हिंदी पढ़ाई जा रही है, भारत में नहीं पढ़ाई जाती। क्यों? क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है। यहां पर जितने करोड़पति हैं, 130 करोड़ है, 10% भी मान लें, जितने यहां पर करोड़पति हैं उतने तो देशों की आबादी भी नहीं है, और बहुत बड़ा एक मध्य वर्ग है, तो बाजार इतना बड़ा, इसीलिए ये दिल मांगे मोर करना पड़ता उनको। तो ये ताकत हिंदी की अपनी ताकत बहुत ज्यादा है, और वो 180 से ज्यादा लेकर विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जा रही है। जरूरत है तो बस आपके सबकी है कि हिंदी को लेकर के कोई हीन भावना आपके मन में नहीं होनी चाहिए, और हिंदी वो जो एक गर्व होना चाहिए, क्योंकि हम अगर सर्वप्रभुता संपन्न देश है, इतनी बड़ी हमारी संस्कृति है, तो अब क्या हिचक है आपको, क्यों जब कोई मांगलिक कार्य हो, बेटी की शादी तो अंग्रेजी में कार्ड क्यों छपे। हिंदी की रोजी रोटी आप खा रहे हैं, काम करते हैं साप्ताहिक दैनिक हिंदुस्तान में, कार्ड देंगे हिंदुस्तान टाइम्स का, काम कर रहे हैं भारत टाइम्स में, कार्ड देंगे आप उसका। ये अब हिंदी सिनेमा 500 करोड़ कमाते हैं, 1000 करोड़ कमा लेते हैं,
हिंदी से हिंदी की पिक्चर दिखा के कमा रहे हैं ना, लेकिन वो नामावली सारी कास्टिंग अंग्रेजी में हुई। ये दिमाग से ये जो भूत सवार है अंग्रेजी का, उसको हमें निकाल फेंकना चाहिए। इससे बहुत बड़ा नुकसान हिंदुस्तान का हो रहा है अगर हम नहीं बदले। अगर हमारे राजकाज में इसी तरह अंग्रेजी रही और हमारी जो बुनियादी शिक्षा है वहाँ पे अंग्रेजी रही, तो हमें इसी तरह के बौद्धिक पतन को भी देखना पड़ेगा अगर हम चाहे। इसलिए अब एक वक्त है, मैंने ये पीड़ा बहुत झेली है। मैंने 25 साल से 30 साल से विज्ञान भवन में बैठ के न राष्ट्रपति बोले, न प्रधानमंत्री, उपराष्ट्र, जिसको देख लो कोई कार्यक्रम हो। अभी कम से कम हमारे देश के कितने गर्व की बात है वो कि हमारे प्रधानमंत्री अब हिंदी बोलते हैं। और ट्रंप को कहना पड़ता है इनको बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है लेकिन ये नहीं बोलते, तो अच्छी बात है। अभी हमारे राष्ट्रपति जी ने पहली, ऐसा बहुत कम हुआ है कि मूल भाषण राष्ट्र के नाम संदेश हिंदी में दिया, उसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया। तो वहीं से शुरुआत अगर होगी, लेकिन इस मौके का फायदा उठाइए अभी जो वातावरण है, और हिंदी को अपने गर्व की भाषा बनाइए। ये दो मॉडल हैं, अंत आखिरी बात कह रहा हूँ, दो मॉडल हैं, इन पर आप चलिए। पहला मॉडल है भारत, ये जो जितने मैं 15-20 देशों में गया हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन वहाँ हिंदी हमारी सम्मान की भाषा है, प्रतिष्ठा की भाषा है, पहचान, आइडेंटिटी की भाषा है। बड़े से बड़े उद्योगपति, बड़े से बड़े लोग आकर के बैठते हैं हिंदी के कार्यक्रमों में। तो वो एक मॉडल हमारे लिए कि जो भारतवंशी कर रहे हैं तो भारत वालों के लिए हिंदी हीन भावना की भाषा क्यों बने। दूसरा मॉडल है, वो है हमारे अंडमान निकोबार का। वहां पर तमिल भाषी हो, तेलुगु भाषी हो, कोई भाषी हो, वो उनके सब के लिए वो सब हिंदी वहां पर बोलते हैं, हिंदी का सम्मान करते हैं, वहां कोई झगड़ा नहीं भाषा का। तो ये दो मॉडल हमें अपना लेना चाहिए। आखिरी बात जो है वो हमारे जो एक ज्ञानपीठ वाले हैं निमाड़े जी, जिनको ज्ञानपीठ, वो मराठी के साहित्यकार हैं, प्रोफेसर हैं कैम्ब्रिज में अंग्रेजी के प्रोफेसर रहे, लेकिन वो जो बात कहते हैं वहीं से बात खत्म करता हूं। वो कहते हैं, निमाड़े साहब कहते हैं कि देखिए अंग्रेजी हमारी मजबूरी है, मजबूरी है तो है कुछ, क्योंकि हमारी सारी उच्च शिक्षा उदली से हो रही है, अंग्रेजी से हो रही है। तो कहते हैं अंग्रेजी हमारी मजबूरी है, उसी तरह मजबूरी जैसे जूते चप्पल पहनना हमारी मजबूरी है। अगर हमने जूते चप्पल नहीं पहने तो गंदगी लगेगी, कील कांटे लगेंगे, तो हमें जूते चप्पल पहनने पड़ते हैं। लेकिन जूते चप्पल को न तो आप पूजा के अलमारी में रखते हैं, न पूजा के कमरे में ले जाते हैं। हिंदी को, अंग्रेजी को भी जहां जरूरत है वहां इस्तेमाल करिए, लेकिन अंग्रेजी को दिमागी गुलामी से बाहर लाइए और हिंदी को गर्व के साथ अपनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। करें कविता तो रहेगी, कभी को कभी कविता ना सुनाए तो नींद भी ना आएगी रात में। तो सबसे पहले कविता का जहां मामला है, बहुत अच्छा लगा। जिन लोगों ने भाग लेने की बजाय भाग लिया उनको बधाई देता हूं। और जो लिखते हैं वो लिखते रहें, क्योंकि कविता से आपको बहुत एक पहचान मिलती है और बहुत ताकत मिलती है। कविता बड़ी ताकत है। मेरा सबसे पहले अच्छे लोगों के लिए चार पंक्तियां सुनाता हूं कि दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, दर्द खुद झेल के खुशियों की फसल देते हैं, जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं, जिनमें खतरे हो उन्हीं राहों पे चल देते हैं, और जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, जिनकी सोचों में है औरों की भलाई हर पल, ऐसे कुछ लोग ही दुनिया को बदल देते हैं। ये मैंने शुरुआत की, लेकिन मैं आपको अभी मोहब्बत पर बड़ी आप हलचल हुई, ये आपकी उम्र का तकाजा है, और इसलिए मोहब्बत को लेकर मैंने आपकी उम्र में लिखा था। जब मैं कविता में आया भी नहीं था, बस लिखने का शुरू किया था विद्यार्थी जीवन के, उस समय की जो प्रेम की परिभाषा मैंने लिखी थी वो साझा करता हूँ। अब पता नहीं वो कितनी प्रासंगिक, रेलेवेंट है, नहीं है, वो तो अभी पता लगेगा।
और वो ये है कि आस्था के फ्रेम में, हाँ जी सब सुन रहे हैं ना ठीक से, आस्था के फ्रेम में विश्वास की तस्वीर बढ़ना, आस्था के फ्रेम में विश्वास की तस्वीर बढ़ना, भावना की सीढ़ियों से आत्मा का शिखर चढ़ना। और प्यार का मतलब नहीं है देह का भूगोल पढ़ना, प्यार का है अर्थ सच्चा दर्द का इतिहास करना। बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी परिभाषा पुरानी काम आ रही है। दो छोटी छोटी, देखिए इसलिए कि आप लोग कविता लिख रहे हैं उनके लिए, कि कविता जो है कोई जरूरी नहीं जब आप दुख मिलाए तो कविता बनती है, इसलिए मैं दो दो लाइनों की, दो दो पंक्तियों की दो प्रेम कविताएं सुनाता हूं। एक पुरानी इमेजरी में है, पुराने बिंबों में है, दूसरा आधुनिक बिंबों में है। तो ये दो दो छोटी छोटी कविताएं सुनिए। पहली कविता पुरानी इमेजरी में, पुराने बिंबों में, कि कमरे में सजी तुम्हारी बड़ी सी तस्वीर से कहीं ज्यादा परेशान करती है, कि कमरे में सजी तुम्हारी बड़ी सी तस्वीर से कहीं ज्यादा परेशान करती हैं, बाथरूम में चिपकी तुम्हारी छोटी छोटी बिंदियां। दूसरी प्रेम कविता आधुनिक बिंबों में, मॉडर्न इमेजरी में, ये भी दो पंक्तियों की कविता है, कि वो ईमेल हो या फेसबुक या कुछ और, वो ईमेल हो या फेसबुक या कुछ और, जहां कहीं जरूरत होती है किसी पासवर्ड की, कि जहां कहीं जरूरत होती है किसी पासवर्ड की, तो तुम्हारे नाम में कुछ जोड़ने या घटाने से बन जाता है पासवर्ड। तो तुम्हारे नाम में कुछ जोड़ने या घटाने से बन जाता है पासवर्ड, लेकिन जब तुम्हारा नाम सिर्फ तुम्हारा नाम होता है तो वो मेरी जिंदगी का पासवर्ड बन जाता है। ये हुई प्रेम की बात। और एक जो मेरा मिशन है मैं उस पर भी आता हूं, वो मिशन ये है कि देखिए आप लोग आजादी के इतने बाद पैदा हुए हैं, आप उन भावनाओं को उन जज्बात को नहीं समझ सकते जो आजादी की लड़ाई में थे। तो एक मेरा मिशन है कि मैं आजादी की लड़ाई के की कुछ घटनाओं को मैंने छंद में पिरो दिया है, ताकि नई पीढ़ी जाने आजादी की लड़ाई थी क्या भला। यहाँ इतनी सारी लड़कियां हमारी बच्चियां बैठी हैं, देखिए भारतीय नारी का चरित्र देखिए, सच्ची घटना है 1942 मुंगेर की आजादी का भारत छोड़ो आंदोलन। छंद सुनिएगा कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था, पति के हर काम में रहती थी साथ, कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था, फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था, और पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था, पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था, देशभक्त कितनी महान थी पतिव्रता की, देशभक्त कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। एक धोखा और साझा करता हूं, और यहां पर ब्रिटिश फौजों ने 66 पता नहीं आप लोग समझ नहीं ना पाए, इसलिए 66 हमने दुनिया को गिनती हमने दी और भूल गए, तो 66 नामधारी सिखों को तोपों से बांध के उड़ा दिया। ये चित्र म्यूजियम में, लंदन के म्यूजियम में, पेरिस म्यूजियम में रखा हुआ है। तोपों से 66 नामधारी सिखों को उड़ा दिया गया। तो भावना देखिए, छंद में देखिए हुआ क्या था, कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए। ब्रिटिश सरकार अपने बहुत सब मानती थी, तो पूछ रही ख्वाहिश मरने से पहले, कि तोपों के मुंहों से बांधा गया नामधारियों को, पूछा गया है जो कोई ख्वाहिश बताइए, सिर्फ एक ख्वाहिश है कहा नामधारियों ने,
विनती है आप उसे करम फरमाइए। अंग्रेजों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा है, क्यों? कि विनती है आप उसे करम फरमाइए कि पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है यह अपमान हमें इससे बचाइए। पीठ की तरफ से जो बांधा हमें आपने है यह अपमान हमें इससे बचाइए। और तोपों के मुंहों पे सिर्फ सीने कर दे हमारे फिर हमें बेहिचक तोपों से उड़ाइए। बहुत सारे से मैंने एक सिर्फ झलक दी, तो कोशिश ये करिएगा चूंकि आप लोग मीडिया वाले हैं कि आजादी की लड़ाई के इतिहास को भी समझने की कोशिश करिए। आप लोग हंसी खुशी घर जाएं यहाँ से, मतलब से निकले, इसलिए मैं कुछ आपको दो तीन मॉडर्न दोहे छोड़ के खत्म करता हूँ, मॉडर्न दोहे आपको सुनाता हूँ। और अब माहौल बहुत ज्यादा थोड़ा वैसा हो गया, गंभीर हो गया, मैं खुद ही हल्का करता हूँ और ताकि आप प्रसन्न चित्त होकर बाहर निकले। पहला दोहा ये है कि चार लोग परिवार के बैठे तो हैं साथ, कि चार लोग परिवार के बैठे तो हैं साथ किंतु मोबाइल में गड़े चेहरे आंखें हाथ। और दोहा ये है कि खतरे पर मत ध्यान दे सेल्फी पर दे ध्यान, कि खतरे पर मत ध्यान दे सेल्फी पर दे ध्यान, अजर अमर है आत्मा निकल जान दे जा। और कहे फेसबुक मित्र हैं मेरे 3000, कहे फेसबुक मित्र हैं मेरे 3000, काम ना आता एक भी जब पड़ता बीमार। और डटा फेसबुक पर लिखे खूब प्रेम के छंद, डटा फेसबुक पर लिखे खूब प्रेम के छंद, पत्नी से 6 रोज से बोल चाले बंद। नई नई चीजें नई नई समस्याएं लाती हैं कि पोस्ट फेसबुक पर लिखी सोचू दे दू जान, पोस्ट लिखी हूं अति दुखी सोचू दे दू जान, 200 लाइक आ गए बंदा है हैरान। फांसी पर चढ़ता युवक पल पल करे सवाल, कि फांसी पर चढ़ता युवक पल पल करे सवाल, एफपी पर फोटो मेरा फौरन देना डाल। और ये तो सोशल मीडिया वाले, लेकिन एक दुआ ये भी कि एक युवक घायल पड़ा मदद हेतु चिल्लाए, एक युवक घायल पड़ा मदद हेतु चिल्लाए, बना रहे सब वीडियो कौन उठाने आए। और ये तो रिएक्शन होता है, प्रतिक्रिया होती है। मैं सचमुच के 3 दोहे के बाद समाप्त करता हूँ, अपना स्थान लेता हूँ। 3 सचमुच के दोहे सुनिए। माँ यहाँ पे शीर्षक दिया गया बोलने के लिए। पहला दोहा ये है कि देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, जो लोग गांव से आए हैं वो समझेंगे, कि देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, अम्मा के गिरवी रखे पायल कंगन हार। और एक दोहा ये सुन लीजिए कि हमारे तो 6 महीने की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, उन्होंने क्या भड़कीली पोशाक पहनी मुझे पता नहीं। दोहा ये है कि तू अपनी गंदी नजर मोड़ सके तो मोड़, कि तू अपनी गंदी नजर मोड़ सके तो मोड़, और लड़की क्या पहने इसे लड़की पर ही छोड़। और अंतिम दोहा जो बहुत चिंता की बात है वो ये है कि हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, और मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान। मेरी कविता का शीर्षक है मैं स्तब्ध निशब्द मौन, मैं स्तब्ध निशब्द मौन, बिल्किस पानों का बलात्कार, बिल्किस पानों का बलात्कार, माँ बाप पति का संघार, नन्नी सलेहा का चीत्कार, और सैकड़ों का विलाप, मैं स्तब्ध
निशब्द मौन, हनुमान टेकरी का विनाश, बेकरी में चिताओं का पाश, जाहिरा शेफ की मानसिक पीड़ा और सबूतों से पुलिसिया छेड़छाड़, मैं स्तब्ध निशब्द मौन। इशरत जहां की जहां से रुखसत, सबूत के रखवालों को मिली फुर्सत, कानून के रखवालों को मिली फुर्सत, सोहराबुद्दीन शेख का एनकाउंटर और कौसर बी का दारुण रुदाल, मैं स्तब्ध निशब्द मौन। संस्कृति से लबरेज लिंचिंग इंसाफ, अखलाक तबरेज मौके पर ही साफ, पहलू खान की सरेआम लिंचिंग पर नहीं मिला कोई किंग पिन, मैं स्तब्ध निशब्द मौन। रेप और हत्याओं में पिस्ता ख्वाब, उन्नाव के सिंगर का रुतबा रुआब, शाहजहांपुर के स्वामी का आभा मंडल और महिलाओं का मान मर्दन तिरस्कार, मैं स्तब्ध निशब्द मौन। मेरे चारों तरफ मुखौटे ही मुखौटे, हर चेहरे पर चस्पा, कई चेहरे, इंसानों की बस्ती में दानवी जाल, खुद को खोजता मैं हुआ बेहाल, मैं स्तब्ध निशब्द मौन। धन्यवाद।